जनता का घोषणा पत्र आज पटना की सबसे बड़ी स्लम बस्ती से, यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं या नहीं, यहाँ की समस्याओं पर ध्यान देते हैं कि नहीं। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ का मुद्दा इस बार रहेगा। आप लोग कितने सालों से यहाँ रहते हैं? देखिए, हम तो बहुत साल से हैं यहाँ, हम बचपन से, बूढ़ा हो गया, 60 बरस तो हो गए। यहाँ इतना समस्या है, जैसे बाथरूम का है, पानी का है, स्कूल का है, बच्चे का स्कूल नहीं है यहाँ। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई समुदाय भवन नहीं है। जो हम लोग को शादी ब्याह बाल बच्चों को होता है तो कहीं ले जाके मंदिर में दूसरे ठंग हमको ब्याह करना पड़ता है। और समुदाय तो यहाँ शौचालय नहीं है। कितने की बस्ती होगी ये? यहाँ करीब करीब 500 की बस्ती है। शौचालय एक अभी बना है जो रोड पर है, यही शौचालय से हम लोग को काम चलता है। 500 लोग एक ही शौचालय का यूज करते हैं? हाँ, एक ही शौचालय है यहाँ। और कोई अगल बगल में है तो, जैसे परल सिनेमा तल है और एगो इनकम टैक्स चौराहे पर है, तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो कितने सालों से आप लोग रहते हैं? सबो बड़ी से आदमी है यहाँ। तो आप बिहार के ही रहने वाली है? हाँ, हम लोग यहीं के रहने वाली हैं। तो यहाँ क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी नहीं है, सब कुछ का, ना सप्लाई कल है, ना बाथरूम है। हम लोग का रोड पर, नाली पर बनाए हुए हैं, बाल बच्चा जाता है टेम्पररी के लिए, नहीं तो मरद से शौचालय जाता है। यहाँ घर द्वार नहीं है कि हम लोग का घर कहता है किसे बना के देंगे, बना के देंगे, ना बना के देते हैं, ना जगह देते हैं, ना कुछ देते हैं। टट्टी का घर था, गिरल जाता है, बाल बच्चा कैसे रहेगा? तब हर पछता के हम लोग बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि टूटेगा कि फूटेगा, क्या होगा नहीं होगा। गरीब आदमी हम लोग कर्जा लेकर के बना रहे हैं, तब कर्जा भी हम लेके। आप यहाँ बिहार की रहने वाली हैं? हम लोग को पता नहीं, जानकारी है। हाँ, बिहार की रहने वाली हैं। क्या सब यहाँ सब परेशानी है, दिक्कत है, क्या क्या है परेशानी यहाँ पे? कि पानी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, टॉयलेट का सुविधा नहीं है। और बाहर लोग शौचालय में जाता है रोड पे, और पानी बहुत दूर से लोग जाता है लाने के लिए। एक दो गो मतलब यहाँ पे चापा नल है तो लोग पानी पीता है। और अपना घर नहीं है रहने के लिए, सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। स्कूल की भी कमी है यहाँ पर, स्कूल भी नहीं है आंगनबाड़ी में बच्चा लोग। और भी वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, चलिए उनसे, पुलिया पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वहाँ उन लोग क्या समझते हैं। माता जी, ये बताइए, यहाँ जो है, यहाँ बहुत सारी समस्याओं को गिनाया लोगों ने, क्या क्या है यहाँ पे? क्या कहे, गंदा संदा है, बोला कि साफ होगा बाथरूम, सब कल उ लगेगा, ही लगेगा, तो कहाँ कुछ हुआ। झोपड़ी घर में हम लोग रहते हैं, यही। नेताजी नहीं आते हैं? आते हैं, तो उनसे नहीं समझ, आप लोग अपनी परेशानी नहीं बताते? हाँ, बोले हैं तो बोला कि बना देंगे, कर देंगे, नेताजी आते हैं। तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं कि हर समय आते हैं? हर समय आते हैं। तो यहाँ स्कूल है? यहाँ आसपास थोड़ी दूरी पे है स्कूल। यहाँ स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल है बच्चे लोगों के लिए, आंगनबाड़ी भी है। हम लोगों को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, लड़के लोग हैं, लड़की लोग के लिए भी स्कूल ही है बगल में। अच्छा, तो क्या क्या यहाँ लग रहा है आपको? इस बार का चुनाव आ रहा है, क्या सब बातें हो रही है, क्या समस्या है यहाँ का? यहाँ तो समस्या ढेरों है। क्या? बहुत सारे यह देख रहे हैं, खुला नाला है जिसके कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं, बाथरूम में सब कोई चंदा करके बाथरूम बनाए, बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबको मिल के सॉल्व करते, कोई आता नहीं सॉल्व करने। ये बाथरूम जो है, ये टॉयलेट जो है, वो चंदा करके बनाया गया है जी। ये सरकार की तरफ से नहीं दिया नहीं, गया? नहीं, ये हम लोग अपना चंदा करके बनवाया है, सबको खुद सॉल्व करता है। यहाँ जो भी प्रॉब्लम है लोग खुद सॉल्व करते हैं, कम्युनिटी मिल के सॉल्व करता है। गर्मी में पानी सूख जाता है, पानी का देखिए, ये पानी लेके जा रहे हैं, बंद हो जाता है उस साइड पट्टी में, तो चापाकल खराब हो गया, सब खत्म हो गया, बनाया था सब। आप लोग किसी को शिकायत नहीं? किस किस बोलते तो है, जो वार्ड कमीशन है ना, उसको बोलते हैं हम सब कि आते हैं, फिर चल जाते हैं। पिंकी देवी, नेताजी नहीं आते यहाँ? कोई नहीं आता।
वोट के समय भी नहीं है। वोट के समय तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वोट लेना रहता, वोट खत्म, हर एक चीज खत्म, और क्या, बाकी सब दिक्कत हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। इस बस्ती में मात्र एक केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये एक माताजी हैं जो यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ के बच्चे को अच्छा सब निःशुल्क पढ़ाते हैं, बैठाकर अपना टाइम बिताते हैं। हम आंगनबाड़ी सेविका थे पहले जी, तो अब रिटायर कर गए हैं, मन नहीं लगता है लोग बच्चा सबको। आप कहाँ रहती हैं? हम यही रहते हैं इस मकान में। तो यहाँ स्कूल, इतने सारे बच्चे, कितने की बस्ती होगी ये मैडम? यहाँ ये अदालतगंज का सब बच्चा है, आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी से सब बड़ा हो गया है, सब ट्यूशन फ्यूशन ऐसे पढ़ता है। ये लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद ये सब स्कूल में पढ़ता है, आंगनबाड़ी से ये लोग स्कूल में चला गया। अब स्कूल से भी लोग का बढ़िया वहाँ पढ़ाई नहीं होता है सब। यहाँ पे तो दिक्कत काफी होती होगी, काफी स्लम एरिया है, तो होता ही है, क्या कहे सबको। अब स्कूल में पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, अब जो भी पूछता है सब बताते हैं। यहाँ मेरी छोटी बेटी है, वो भी बता देती है कि चलो भाई इतना बैठे नहीं रहे घर में, बच्चा सबको पढ़ाए सिखाए सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम शिक्षा की अलग जगा रही हैं। अब दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी ये बताइए, क्या क्या यहाँ परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो है कल कहे है, पानी के तकलीफ है, घर द्वार के तकलीफ है, गरीब के कोई नहीं देखने वाला है का। जो बोल देते है झूठ मूठ के कहता है ये चीज देंगे वो चीज देंगे, देता है कुछ नहीं। आप बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो कहता है तोड़ देंगे तो गरीब कहाँ जाएगा? तो यहाँ आप लोगों को जो शौचालय दिया गया सरकार की तरफ से, वो सुविधा नहीं मिली क्या? नहीं नहीं, हम लोग अपन फाट दे के बनवाए हैं, खुद से बनवाए हैं। यही सब हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग के कहीं भी काम करने वाले हम लोग है, तनिक कहूँ अपन अथी हो जाए, यही बहुत है सर। माता जी कब से यहाँ रह रही हैं? बहुत दिन से। बाथरूम का और पानी का दिक्कत है, ठीक है बताइए मैडम जी, बताइए। हम लोग को तो बहुत दिक्कत है, पानी के दिक्कत है, बाथरूम के दिक्कत है। जब से रोड ढलैया हुआ उन्हें चम्मर में ढक्कन नहीं लगा, उन्हें तब बाथरूम टूटा है, तो हम लोग अभी बनवाए हैं, देखते देखते जो बनवाएंगे बनवाएंगे। नेता जी यहाँ नहीं आते क्या? आते हैं, पिंकी देवी आते हैं जी, वोट लेने आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते हैं, बस जीत गए बस काम खत्म। हाँ अब तो हर आदमी आएगा जो क्या है क्या दिक्कत है, खाली पूछते हैं जाते हैं, कुछ नहीं। बहुत दिक्कत है पानी का, शौचालय और पानी, स्कूल का भी दिक्कत मुझे बताया है। स्कूल का भी दिक्कत, स्कूल का भी दिक्कत है, ऐसे आंगनबाड़ी में बच्चा जाती है पढ़ने, स्कूल का भी दिक्कत बताया है। पानी के कैसे बता, पानी देखिए पैर में पानी, पानी का तो बहुत दिक्कत है, पानी देखिए कैसे कैसे काम होता है। ये दिक्कत, पैसा लगाए भैया, फाट इतना आदमी है, सब फाट लगा के हम लोग गरीब आदमी, वही में से सब कुछ, पानियों के साधन तो नहीं है, अनगुत्ती से नहीं आया तो अभी हम लोग ये किए हैं, क्या करे भैया। हम लोग तो यही सब दिन से, जहिया घर टूटा हम लोग के उजारा, तब से लेके इतना बड़ बड़ बच्चा सब हो गया, 50 साल के लड़का सब हो गया, सब कमाता है, 60-70 बरस चाहिए है, कोनो आई काल से है आदमी, तो अपने पहचान आएगा झूठ थोड़े बोल रहे। चलिए यहाँ से अब फिर इस बस्ती में दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ से लोगों से पूछ बात करते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं यहाँ पर। माता जी ये बताइए, यहाँ कितने की आबादी होगी, आप कितने दिनों से रह रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से हैं। कितने की आबादी होगी? आबादी होगा कितना होगा, 4-5-6 हजार से कम थोड़ी होगा, 1 हजार से ऊपर है ना, के बेची होगा पूरा। कितने की आबादी है? 1 हजार से ऊपर की है। हाँ, ठीक बोल, 1 हजार से ऊपर की है आबादी,
हम लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। यहाँ ना पानी है ना बिजली है, और यहाँ दिन रात देखिए कचरा बहता है, हम लोग को मच्छर है, बीमारी है, सारा चीज रोज बीमार होता है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो हम लोग कोई दवाई नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। और दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, पिंकी देवी जब जीतती है तब हम लोग को भूल जाती है यहाँ पर। नाम मत लीजिए कि हम पार्टी से नहीं आए हैं, जी आप बताइए, आप सब समस्या बताइए। निदान में भी है, हम लोग का गर्भवती महिला होती है उसमें भी हम लोग को नहीं मिलता है कुछ भी। बाहर बाहर लोग को लोग आती है, मत पूछिए कुछ नहीं। जी बताइए माता जी, आप उसमें हम लोग को कोई चीज के फायदा नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग को मिलते हैं। यहाँ कोई चीज नहीं मिलता, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ के। अपना पड़ोसी है जो अपना सब कुछ है, उसी के सब कुछ मिलता है, हम लोग के लिए छाटाई हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत दिक्कत। बिहार के रहने वाले, यस बताइए, यहाँ पे बाथरूम वगैरह कितनी दिक्कत है और पानी नहीं मिलता है, गंदा पानी हम लोग पीते हैं। आप नल जाके देखिएगा तो आप खुद चौंक जाइएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे बस रह रहे हैं। बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत। बताइए भाई साहब, आप बताइए, आप यही रहते हैं? जी हाँ। बताइए, जो कह रही है वो सही है? जी हाँ सही है। पानी बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या खड़ा है पानी के। सरकार अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं किया। कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आता है कि नहीं आता नहीं है? जो आग लगता है तो हम लोग को बोल के हमारे मोहल्ले के लड़के नाले में कूद के पानी कूदता है, पानी निकाल के डालता है। जब फोन करते हैं एथी दमकल का तब आता हो जाता है, तब हम लोग अपना जान बचा के भागते हैं तो बल्कि आता है, बाकी कोई नहीं आता है। सब बर्बाद तब आता है। ये हमारे मोहल्ला में एकता है, यहाँ के लोग आते हैं, कोई चीज होता है तो मोहल्ला कहता है उठ जाते हैं। हम लोग मोहल्ला में मिलके रहते हैं, सबसे एकता है। बाकी कोई हमारे बाहर का जो भी है, वार्ड कमिश्नर है, जो भी नेता है, कोई नहीं आता है। सब लोग आते हैं, बाद में दिलासा दे जाते हैं कि आपके लिए ये होगा, बाकी कुछ नहीं होता। और दिक्कत तो सबसे ज्यादा हम लोग के पानी और टॉयलेट बाथरूम की है, जो हम लोग को बहुत बहुत दिक्कत होता है। यहाँ देखिए नाला है, मच्छर काटता है, बच्चे बीमार पड़ता है, कोई नहीं देखने वाला है। शौचालय के लिए पैसा भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है। चलिए बताइए, बताइए मैडम। नहीं है बाथरूम, नहीं है, हम सबको बहुत दिक्कत होता है। कल बाथरूम नहीं है, हम सबको दिक्कत है। अपना घर द्वार नहीं, सरकारी घर है, कब लात मार के भाग जाए, कोई ठीक नहीं। चलिए ये बताइए भाई, यहाँ स्कूल की दिक्कत है क्या, शिक्षा की दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है भैया, यहाँ के वार्ड पार्षद सही नहीं है, यहाँ कोई माई बाबू नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बस यही प्रॉब्लम, किसी को घर के प्रॉब्लम, किसी के पानी के प्रॉब्लम, किसी के शौचालय के प्रॉब्लम है। यहाँ से रोड पे जाता है, यहाँ खुले में शौच करता है। यहाँ तो बहुत हम लोग जवाने से यहाँ पे है, लमसम तीन चार पूर्व से, लेकिन यहाँ पर कोई साधन अभी तक नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से। बीच में आज से 8-10 बरिस पहले मकान को हम लोग को तोड़ दिया गया था, फिर बसे हम लोग कम से कम 30-40 साल से वोटर है यहाँ का, लेकिन हम लोग का कोई सुविधा अभी गवर्नमेंट के तरफ से ना, पानी का दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, यही सब समस्या है। और आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वहाँ क्या है, क्या बात है। जी बताइए, यहाँ ज्यादा सबसे बड़ा पानी की दिक्कत है। अब बाथरूम के हम लोग शौचालय चाले में सब गोटा जाते हैं, यहाँ ये सब गंदगी सब पूरा है, सब भरा हुआ है एकदम। हम लोग बहुत जमाने से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग के यहाँ के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, सब चीज है, वोट देती है, सब वोट उठ सब हम लोग। तो नेताजी नहीं आते? कहाँ नेताजी आते हैं, नेताजी आते हैं कब, जब लेते हैं वोट तब दे दीजिए वोट हमको। ऐसे नहीं आते, ऐसे तो हम लोगों के फिर शकल भी नहीं दिखाते, चाहे जीत गए चाहे हार गए। सबसे जरूरी हम लोगों के है कि यहाँ पर मकान बना के दिया जाए। हम लोग यहाँ 100 बरस से ससुर सास लोग गुजर गया, अब उनका परपोता परपोती सब चल रहा है, यही हम कहना है। और क्या मैंने की अथी हो गया, सब बूढ़ा सब हो गया, सब कितना डेट भी यही पड़ी होगा, जमान सब यही हुआ, सब चीज हुआ। माता जी हैं, इनसे बात करते हैं जरा। बताइए माता जी, जरा बताइए कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं आप? हम बहुत दिन से यहाँ पर रहते हैं।
कब से? तब यो रहता है साल भर से, बेटा पुतो के साथ में हम आए, हमारा आदमी नहीं है, आदमी गुजर गया है बहुत जमाना से, यहाँ के जब बाप दादा रहा सब गुजर गया है जी, सब दिन यहाँ पर रहा सब लेकर के। हाँ मैंने बाथरूम पानी नाली सब तो खराब हुआ है, गंदगी भी है ज्यादा, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर रहता है भैया, तब इतना हम लोग वोट देती है अपनो? हाँ सब होता है, वोट भी मिलता है, आवेदी कार्ड भी है, हम लोग के सब कुछ है, कोई चीज के व्यवस्था नहीं यहाँ पर नहीं है। भाई साहब बताइए, क्या यही रहते हैं आप, क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं आसियाना टावर में, सुपर के काम करते हैं, सफाई करते हैं, 4,000 रुपया महीना मिलता है हमको, और उससे हम लोग के गुजारा नहीं चलता है, दिक्कत बहुत है, और यहाँ बगल में रहते हैं घर पे, बाथरूम की कमी है, पानी की कमी है यहाँ पर, बहु बेटी हम लोग शौचालय यहाँ पर जाते हैं बगल में, और वहाँ से हमको 5 रुपया लगता है, जब हम जाते हैं जब 5 रुपया देते हैं, यही बात है, और बहुत दिक्कत है। अंकल जी आप यहीं रहते हैं, कितने वर्षों से रहते हैं? हमको लगभग 40 साल हो गया है। अच्छा, 40 साल में कितना बदला है ये जगह? जगह तो पटना में तो बदलाव बहुत आया, लेकिन मोहल्ला में कोई बदलाव नहीं आया, अभी मोहल्ला में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। 40 साल में कितने सांसद चुन के गए? 40 साल में तो बहुत संसद चुने हैं यहाँ से, कुछ विकास नहीं किया है? नहीं नहीं नहीं, सब लोग बोलता है करता है कोई कुछ नहीं, सिर्फ बोलने के लिए है, जब जरूरत पड़ता है तो लोग आते हैं, आदमी विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है, लेकिन जाने के बाद फिर दोबारा नहीं आता है। जी बताइए। वोट लेने के लिए आता है सब, वोट लगता है, वोट जीतने के बाद वो अपना कहानी खत्म कर देता है। यही स्मार्ट सिटी रहता है तो यही है, बताइए ये गंदगी के वजह से कितना आदमी बीमार पड़ जा रहा है, ये कभी देख रहा है? स्मार्ट सिटी ऐसे इसी को कहता है कि दुकान तोड़ दिए, गरीब लोग के पेट पे लात मार दिए, घर तोड़ दिए, तो स्मार्ट सिटी बन गया? स्मार्ट बनने के लिए गरीब लोग का घर दिलवाइए, करने के लिए बोल रहा है सर, हटाने के लिए बोल, हम लोग कहाँ जाएंगे, खुद बन बोलिए सर, ये सब क्या स्मार्ट सिटी बनेगा? अरे गरीब लोग का कम से कम एका को रोजगार दे, जो कि अपने रोजी रोटी नहीं, हम लोग जूठा धोने जाते हैं, 2,000-1,500 देता है जूठा धोने में। वोट करते हैं ना आप लोग? हाँ वोट करते हैं, लेकिन इस बार हर आदमी को चाहिए कि मोदी भगाओ अभियान चलाना चाहिए देश में। वो तो आपका अधिकार है कि इसको देंगे, उसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो पूरा भारत में देख रहे क्या स्थिति है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, 2,000-4,000 पर नौकरी मिल रहा है, यहाँ आधा से ज्यादा लग रहा है। आप जरा नक्शा घुमा के जरिए देखिए, लगता है कि पटना शहर है, टाउन है, ये सबसे खाटी देहात जैसा है, जो कोई इसका उपाय नहीं दे। अब हम लोग वोट नहीं देना, हम लोग बहुत परेशान हो गए, नहीं देंगे कोई लेता, हाँ जो है वोट ले लेते हैं, अब बस चलते बनते हैं। चलते बनते हैं, बहन जी कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इसका सुविधा कुछ नहीं है, टंकी बना हुआ है लेकिन उसका सुविधा कुछ नहीं है। हम इन लोगों से भी और दर्शकों से भी अपील करेंगे कि वोट जरूर करें, वोट आपका अधिकार है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।